आज मुझे पता चल गया कि आप लोग कौन सा चीजें सुनते हो। छिंदरा छिंदरी का गाना आप लोग ज्यादा सुनते हो, छिंदरा छिंदरी का भाषा ज्यादा सुनते हैं। अभी जो भी भोजपुरी का हो या मगही का है या खोटा का हो या झारखंड का यूपी बिहार का हो, ये सब जो छिंदरा छिंदरी का ज्यादा आप लोग ज्यादा ज्यादा सुनते हो, ठीक है। और इसी में लोग टीआरपी पा रहे हैं और लोग मजा भी दे रहे हैं। किनका गाना सुनोगे बताओ, कौन सा छिंदरा की बात कर रहे हैं, कौन सा छिंदरी की बात कर रहे हैं, ये आप लोग ही समझोगे। आए वीडियो बने रहो आखिरी तक, बहुत सारा कुछ बोले इस वीडियो में, आप भी सुनकर भी हैरान हो जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक यू टू माय चैनल चंदन सुपरमैन। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मुझे पता चल गया कि आप लोग किनका वीडियो देखते हो और क्यों देखते हो। जानते हो किस लिए देखते हो? आप सब लोग बकचोदन वीडियो देखना चाहते हो। बकचोदन मतलब समझते हो, रोशन रही ये बोल दिया, दीपक राज वो बोल दिया, ट्रेंडिंग में जो बोल रहे हैं उनका बात सुन लिया, पवन सिंह क्या कर रहे हैं वो सुन लेंगे, खेसारी लाल क्या बोलेंगे वो सुन लेंगे। नुकसान किनको पता है? आप लोग को नुकसान है। कल अभी एक गाना भी चल रहा है ट्रेंडिंग में, झारखंड का सॉन्ग है कि ककर मोगी ना, कि ककर मोगी सुंदरी और ककर मोगी झगड़ाई और ककर मोगी सुंदरी, ये गाना लेकर आप लोग भी फिर विवाद करेगा। उसके विवाद करने के बाद क्या होगा पता है आप लोग? यहाँ पर आप सब लोग जो है ना ट्रेंडिंग स्टार बनोगे, सुपर स्टार बनोगे, और दर्शक दर्शक क्या करेगा और आप लोग को और बढ़ावा देगा। इन आप जानते हो इतना घटिया गाना गा के आप चाहते हो कि रोशन रोही, दीपक राज और आशीष जादव, क्या उन्हीं का नाम है कि अदर और किसी का नाम है? अरे जब आप कहीं शो करने के लिए जाती हो तो आप क्या दीपक रोही वहां गाना सुनने के लिए आता है क्या? रोशन रोही सुनने के लिए आता है क्या? दीपक राज सुनने के लिए आता है? और क्या आशीष जादव सुनने के लिए आता है? अरे आप इस तरह से गाना गाते हैं तो किसी का भी, आप मुझे पता है कि आप सिंगर के बारे में गाना गाए हैं, ये नहीं है कि सिंगर का आप खास सिंगर के ही नाम होगा। कितना आशीष भाई है, कितना दीपक भाई है, कितना रोशन भाई है, भाई आप इस तरह जो गाना गाते हैं ना लगता है कि मैं बहुत बड़ा सुपर स्टार। अरे इसी में विवाद होगा और इन्हीं को सपोर्ट मिलेगा, तो सपोर्ट आप लोग जो करते हो क्यों करते भाई? इन लोगों को क्यों सपोर्ट करते हो? इसमें क्या मिलता है आप लोग बताएंगे? आप लोग सिर्फ आप लोग इनको सिर्फ वैल्यू देते हैं, और इस वैल्यू में जिनका जिनका नाम लेकर आप लोग को नाम लेता है ना, उसमें आपका नाम खराब कर देता है। आपका आपका नाम नहीं खराब करता है, आपका फैमिली के साथ में आपका ये गाना सुनने के लायक नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज पर आप लोग गाना जो सुनते हैं ना तो आपको लगेगा बुरा। अभी हम बोलेंगे तो मुझे ऊपर भी कई लोग कमेंट करना चालू कर देगा झूठ मूझ का, तो मैं इस बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ। पर इस अगर नाम लेकर गाना गाते हैं तो इसके बारे में कितना विवाद भी चला आप सब लोग को पता है, और चलेगा और विरोध चलेगा, आप लोग के ऊपर भी चलेगा मुझे पता है। पर मैं उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ जो आप लोग को मैं हम खिलाफ कुछ बोल दूं। हम इतना तो जरूर कहूंगा कि भैया इस तरह का अगर गाना गाते हैं तो भैया नाम पुकार के तो उसके लिए अच्छा गाना गाइए जो लोग दर्शक सुन सके। अब इस तरह से हरकत गाना गाओगे तो कौन सुनेगा, किस तरह दर्शक सुनेगा? सुनेगा वो अपने हेडफोन लगा सुनेगा, पर लोग को शर्म लगेगा सोशल मीडिया के थ्रू से। आगे आप लोग क्या सोचते हो आप लोग कमेंट कीजिएगा। खोटा मगही जो भी आप सुनते हो गाना उन्हीं के लिए है। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय जोहार, जय झारखंड।